हमेशा लाइफ में प्रायोरिटी सेट की है मैंने कि प्रायोरिटी क्या है घर बाकी चीजें मटीरियलिस्टिक और शौक बाद में बट असली एज क्या है जब तक आप थोपड़े से यंग और शरीर से फिट दिखते हो एज डजेंट मैटर बट मुझे लगता है मुंबई में भाई मैं करोड़ों रुपए खर्चे करके एक गाड़ी लेके नहीं घूमने वाला कभी भी मुझे लगता है इससे अच्छा तो मैं पैसे बचा के प्रॉपर्टी में डाल दूँ आलिया भट्ट के साथ मेरा बुद्धे शेयर होता है और हम सेम एज के हाई दिस इज कमर्ड ढिलन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन आई डब्ल्यू एम बस

एंड uh, मैं पर्सनली मानता हूँ कि uh, मैं ऐसे लकी मानना चाहूँगा uh, कि मेरे जन्मदिन के आसपास मेरे एक नए शो का जन्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है एंड आई रियली होप दैट मार्च जैसे हमेशा मेरे लिए लकी रहा है प्रोफेशनली एंड पर्सनली आई रियली होप दैट वो लक उड़ने की आशा पे भी रब ऑफ हो और uh, uh, एक अलग उड़ान मिले शो को एंड आई रियली होप पीपल लव द शो अलग बात एवरी ईयर सब में कुछ कुछ ना चेंजेस Yeah. तो, यार आपने, आपने आपने लास्ट ईयर yeah, uh, मैं एक इंजरी uh, से फ्रेशली ठीक हो रहा था मेरी लास्ट ईयर की लुक में और इस साल की लुक में बहुत फ़र्क है एंड uh, मैंने आई एम आई एम अ बेटर एंड अ फिटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ लास्ट ईयर मैं एक uh, अलग किरदार में था इस साल मैं एक अलग किरदार में हूँ एंड uh, कहते हैं ना हर साल आई थिंक आप आप uh, ईयर बाई ईयर खुद को बेटर करने में लगे होते हो आप खुद को आउटडू करने में लगे होते हो आप खुद को ग्रूम करते हो uh, आप, आप बहुत नई चीज़ें सीखते हो आई थिंक आई हैव लर्न टू बी अ लॉट कामर समाइम्स वेन आई वॉन्ट टू बी मैं बहुत ऐसे मचलता हूँ आधा टाइम आप सबको बताइए yes. तो अभी आई थिंक बीच बीच में थोड़ा वो हल्का सा बैलेंस करने लग गया हूँ मैं बट आई डोंट थिंक उसके अलावा कुछ ऐसे मेजर चेंज है मतलब जब मुझे थोड़ा मी टाइम चाहिए आजकल मैं थोड़ा मी टाइम निकालने लगा हूँ खुद के लिए और जब जरूरी लगता है पहले मैं नहीं निकालता था अब मुझे लगता है कभी कभी थोड़ा सा चाहिए यार खुद के साथ टाइम सो so, yeah. जैसे-जैसे बढ़ता है वैसे-वैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन जाता यार्वेशन शादी और मेरे पास एक बहुत सिंपल डिफेंस है कि अभी घर में बड़ा भाई भी है अभी उसकी शादी हुई नहीं है तो जब उसकी होगी तब देखी जाएगी और उसकी होके अगर टिक गई तो तो डेफिनेटली देखी जाएगी तो अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है आ, ये जवाब के लिए माँ बाप बहुत हिट करने वाले अभी फिलहाल ऐसे कोई प्लान नहीं है बट आई थिंक वैन जब डेस्टिनी में होगा और जब वो चीज़ लिखी होगी कि होनी है तब वो भी चीज़ हो जाएगी भाग भाग के कितना भाग लेगा इंसान है ये भी होता ना था था तो नहीं यार मेरे पास अठारह में नौकरी थी अठारह में छोकरी भी थी फिर जब मैं छब्बीस सत्ताईस सा, साल का हुआ तो अभी जिस घर में रह रहा हूँ वहाँ पे मैंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी किया था अभी भी हम एक नई जगह देख रहे हैं एक बड़ा घर देख रहे हैं तो मैं वहाँ भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने सपने भी पूरे करता हूँ मैंने अपनी ड्रीम बाइक ली गाड़ियाँ ली सब ली पर ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं uh, उसके अलावा आई थिंक एक पर्सनल चेकलिस्ट होती है सबकी yeah. कि यार इन दो सालों में ये करना है इन तीन सालों में ये करना है वो चेकलिस्ट कभी मैंने लिख के नहीं बनाई है इट्स ऑलवेज़ बीन यर दो चीज़ें सिर्फ लिखी थी मैंने एक जब मैं पहली बार गाड़ी ले रहा था और दूसरी जब मुझे बाइक लेनी थी क्योंकि uh, मुझे ये था यार कि uh, जितने की ये बाइक है उतने में तो मतलब कोई इंसान लोन लेके काट ले तो रुक सकता है तो हमेशा लाइफ में प्रायोरिटी सेट की है मैंने कि प्रायोरिटी क्या है घर बाकी चीज़ें मटीरियलिस्टिक और शौक बाद में तो तो ये आखिरी चेकलिस्ट थी अ, मेरी स्पोर्ट्स बाइक जो मैंने दो साल पहले ली थी अ, उसके बाद अब एक चेक लिस्ट है जिसके बारे में बताऊंगा नहीं जो जब पूरा होगा इस साल के एंड तक तो आपको पता चलेगा थ्री वॉर्न गूगल ने सही लिखा है हाँ छुपाते no, हैं ना हाँ। जो मेरा छोटा भाई बना है ना शो में देवाशीष कभी अगर आप उसकी इंटरव्यू लेंगे उसको एज पूछना बस सिर्फ एज पूछना ना वो ना कभी बाईस बोलता है कभी चौबीस बोलता है फिर मैं मतलब जितनी ते तेरी छाती में बाले ना तो मेरे से बड़ा लगता है मतलब तो ऐसे क्यों लोग करते हैं मुझे समझ नहीं आता आई मेरा एक बहुत खास दोस्त है वो भी किसी को बताता नहीं अपनी उम्र अक्षय खरोड़िया भी ऐसा ही था हमारे पंड्या स्टोर का वो आज तक पच्चीस साल का है अक्षय का आधार भी आज तक उसको सत्ताईस साल का ही दिखाता है और अक्षय पता नहीं क्या करता है वो अक्षय भी अपनी असली एज कभी नहीं बताता तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ बट असली एज क्या ही है जब तक आप थोपड़े से यंग और शरीर से फिट दिखते हो एज डजेंट मैटर आई थिंक पीपल लाइक सलमान सर एंड आमिर सर एंड ऑल दीज पीपल आर एग्जाम्पल्स यार शाहरुख सर को देखो इस एज में क्या दिखते हैं आई मीन आई थिंक आमिर सर्स इज फोर्टीनथ माई बर्थडे कम्ज विथ आलिया भट्ट माई फेवरेट आलिया भट्ट के साथ मेरा बर्थडे शेयर होता है और हम सेम एज के हैं आई रियली होप कि ये मार्च मार्च कनेक्शन वहाँ भी जुड़े और मैं कभी आगे जाके काम करूँ वन एक्टर आई वॉन्ट डू वर्क विथ